बताएं जैन साहब, फरमाए। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, और आज का स्टॉक है आनंद राठी वेल्थ। नाम सुन के ही मजा आ रहा होगा, और आपने और टारगेट भी मैं पहले बता देता हूं, ₹1,000 तक के टारगेट लगते हैं मुझे, फोर फिगर में ये जाएगा। गजब के रिजल्ट्स थे, सो बेसिकली एक अच्छे लेवल पे स्टॉक अवेलेबल है, और जिस तरीके का माहौल बना, और आज जो बंसल जी ने कहा अनिल जी आपके बर्थडे तक, तो अब कौन से बर्थडे तक वो अलग बात है, बट 21,000 की अगर तेजी बोल रहे हैं तो मुझे लगता है ये सारी कंपनियां, हमारी जैसी कंपनियां हम भी इनफैक्ट अब वेल्थ की तरफ ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सो इनिशिएटिव्स भी वैसे ही ले रहे हैं, और ब्रोकिंग बिजनेस सही है, बट ये स्टॉक भी बहुत अच्छा करने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस बर्थडे तक इसका टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, जो कि जून की 2 तारीख को आता है अनिल जी, आज से ठीक एक महीने बाद। तो अब देखते हैं क्या होता है, बट आनंद राठी वेल्थ और आनंद राठी जी मैं देखता हूं, जब भी कोई भी बड़ी चीज होती है इकोनॉमी में, कभी भी बजट का शो होता है, तो हमेशा आनंद राठी जी को देखा है, काफी फॉलो किया है, और आप भी बहुत मतलब उनको रिगार्ड रखते हैं, बिकॉज ऑफ मैं समझता हूं कि किस तरीके से वो इंडस्ट्री के एक वेटरन है, और क्या इथोस और क्या सिस्टम्स और गवर्नेंस है, जो मुझे सबसे बढ़िया बात लग रही है कि जो टीम बनी है, मैं भी देखता हूँ बिकॉज इन इंडस्ट्री में और क्लोजली वॉच कर पाते हैं, भले हम जयपुर में हो या कहीं भी हो, इनकी नेशनल प्रेजेंस है, बहुत बढ़िया ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है, इसलिए बढ़िया लगता है। लीडिंग फंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है ये लोग, मतलब अगर बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो प्राइवेट वेल्थ, डिजिटल वेल्थ, ये सबको मैनेज करते हैं, और गजब के प्रोडक्ट्स है। एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग थी, और आनंद राठी जी और मिस्टर प्रदीप गुप्ता जी ने ये स्टार्ट किया, और एक छोटी सी बिगिनिंग से आज 1994 से लेकर अब तक जो हुआ है वो गजब का, और आईपीओ रिसेंटली आया था, तो मुझे ये और सबसे बढ़िया बात लगती है, और अल्ट्रा एच एन आईज और इनमें काफी इन लोगों की अच्छी पेट है, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि काफी मतलब लोगों को इनके ऊपर इतने सालों का एक भरोसा भी है, और वेल्थ और प्लस जो एयूएम है वो अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है, और इनफैक्ट मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो गजब के रिजल्ट्स आ रहे हैं हर इनफैक्ट क्वार्टर में, और कैगर भी बहुत बढ़िया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स की तेजी में और जो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन होना है वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ, जो एचएनआईज अल्ट्रा एचएनआईज का एक रुझान बढ़ा, आजकल हर बड़े कॉर्पोरेट्स में कहीं ना कहीं एक फैमिली ऑफिस होती है, तो वो लोग जनरली वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो एक सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। मैं जो दूसरे अगर वेल्थ मैनेजर्स के जो स्टॉक्स हैं उनको कंपेयर करूं तो ये स्टॉक सस्ता है, 21 के पी मल्टीपल में मुझे सस्ता लगता है, 48.49% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 38% है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 33% रही है, 5 साल में 27% रही है, डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा देते हैं 1.25% के लगभग, और मार्च 2022 में 34 करोड़ के पैट के सामने 43 करोड़ का पैट, सो कंसिस्टेंटली पिछले 4 क्वार्टर से एक बहुत बढ़िया पैट को मैनेज कर रहे हैं, 226 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे बॉटम लाइन है, सो विच इज अगेन वेरी इंप्रेसिव, और एफआईआईज डीआईआईज भी अच्छा खासा भरोसा रखते हैं, करीब 13% के लगभग एफआईआईज डीआईज की होल्डिंग है, और प्रोमोटर्स के 48.49%, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को इन लेवल पे लेना चाहिए स्टॉक को, और आराम से आने वाले दिनों में ये स्टॉक अपना टारगेट अचीव करेगा, जो कि मैं 4 फिगर बता रहा हूं, और मुझे लगता है आज सब खुश होंगे, आनंद राठी से काफी हमारे एनालिस्ट भी आते हैं, सिद्धार्थ सेजानी जी, और मुझे याद है किस तरीके से आपने जब आनंद राठी जी का इस रिजल्ट के ऊपर इंटरव्यू लिया था, तो सेजानी जी के साथ आपने जो मस्ती की थी। बिल्कुल, चलिए आनंद राठी वेल्थ ये पसंद आ रहा है जैन साहब को, और 1,000 का टारगेट भी जैन साहब आप